अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने पिज़्ज़ा तो बहुत खाए होंगे, लेकिन कभी पिज़्ज़ा क्राउन ट्राई किया है, वो भी घर का बना हुआ? तो आज मैं आपके साथ क्राउन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल रेसिपी शेयर करूंगी विद पिज़्ज़ा डो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले आए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, उसके लिए मैदे का आटा ले लें 1 कप और इसे छान लें। ड्राई ईस्ट यहाँ जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और शुगर 1/2 टीस्पून। वेजिटेबल ऑयल 2 टेबलस्पून डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेना है। फोर्क या हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। जब आटा गूंद जाए तो आटे को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लें और 1-2 घंटे के लिए इसे रख दें ताकि अच्छे से आटा राइस हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पिज़्ज़ा स्टफ के लिए चिकन मैरिनेट करेंगे। यहाँ चिकन बोनलेस लिया है 1 कप और इस तरह छोटे छोटे क्यूब शेप में कटिंग कर लेंगे। स्पाइसेस जाएंगे टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, प्लेन दही 2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ओरिगानो हर्ब्स 1/2 टीस्पून, सिराचा सॉस 1 टीस्पून। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे रिफ्रिजरेटर में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा मायो सॉस के लिए मायो लेंगे 5 से 6 टेबल स्पून, चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, हॉट सॉस 1 टीस्पून, ओरिगानो हर्ब्स 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून और पाउडर शुगर 1 टीस्पून इसमें जाएगा। इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा होममेड पिज़्ज़ा मायो सॉस तैयार है। अब एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 टीस्पून, मैरिनेटेड चिकन इसमें सारा जाएगा। चिकन को यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाए। अब हाई फ्लेम पर इसे पकाना है कि जब तक इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। यहाँ चिकन हमारी तैयार है तो इसे एक प्लेट में उतार लेंगे। अब इसी पैन में हम थोड़ी सी प्याज सौते कर लेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी इसी पैन में सौते कर लेंगे। अब एक पेपर लेना है, आप चाहें बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और इस पेपर को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब जो आटा हमने राइस करने के लिए रखा था वो लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। नाइफ या पिज़्ज़ा कटर लेंगे और डो के बिल्कुल सेंटर में इस तरह कट कर लेंगे। अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेयो पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। कुक चिकन हम असेंबल कर लेंगे और ऑनियन और शिमला मिर्च रख देंगे। चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेंगे। मोजरेला या चेडर चीज़ टॉपिंग कर लेंगे। अब इस तरह से डो को फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे।
देखें इस तरह से। अब मेल्टेड बटर या एग स्प्रेड कर लेंगे ऊपर और ओरिगानो ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। तो यहाँ हमारा क्राउन पिज़्ज़ा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। केचप या मेयो सॉस जो मैंने आपको बनाना सिखाया है उसके साथ इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।